बिहार की इस बेटी ने नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट में कर दिया कमाल। रामकृपाल यादव ने किया सम्मानित। बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं है, मौका मिले तो वह कुछ भी कर दिखाने में पीछे नहीं रहती। इसी क्रम में राजधानी पटना से दानापुर के प्रियदर्शी नगर की रहने वाली कृतिका आनंद ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। महादलित छात्रा कृतिका ने ग्लोरियस मिस्टर एवं मिसेज इंडिया वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में ग्लोरियस ब्यूटीफुल स्किन का खिताब जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। मूल रूप से बेटा की रहने वाली कृतिका आनंद को पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव ने वस्त्र एवं फूलों का गुलदस्ता देकर किया सम्मान। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महादलित परिवार की इस बेटी ने न केवल राज्य का बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। उन्होंने कृतिका को हर संभव सहायता प्रदान का आश्वासन भी दिया है। कि मेरे पटना की बच्ची जो बीटा के रहने वाली है, गांव के रहने वाली है, दलित परिवार की बेटी है, जो ऑल इंडिया स्तर पर स्किन ब्यूटी का कंपटीशन में पूरे भारत में नंबर वन स्थान प्राप्त किए। एक गांव की बच्ची है, दलित परिवार की बच्ची है, सिरचंदपुर गांव है बेटा में, हमारे क्षेत्र में वहीं की बच्ची है और गांव में पैदा ली है। बिहार का नाम रोशन किया इसने, पटना का तो नाम रोशन किया ही, बिहार का नाम रोशन किया और हम सब लोग का सम्मान बढ़ाया। अभावग्रस्त बच्ची है, ये कोई बड़े घर की लड़की नहीं है, एक साधारण परिवार की लड़की है जिसके पिताजी बैंक में मैनेजर हैं और कष्ट से वो निकले हैं पढ़ करके और अपने बच्चों को जो लालन पालन कर रहे हैं या इस योग बनाया या देश में एक अपनी पहचान बनाया, इसलिए मैं इस बेटी को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ। इंटर की छात्रा कृतिका ने इस मौके पर कहा कि माता वीणा देवी और पिता ब्रजनंदन राम के बगैर ये सब हासिल करना मुमकिन नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, साई ग्लोरियस टीम ने बहुत हेल्प की, जिसकी वजह से आज ब्यूटीफुल स्किन ब्यूटीफुल स्किन का खिताब मिला मुझे। और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत स्ट्रगल किया मम्मी ने, इतना दूर ले जाती थी मुझे और बहुत हेल्प किया। बस खुश हूँ बहुत कि कुछ भी कोई भी स्थान तो प्राप्त कर रहा है इंसान को, कहीं भी नीचे ही स्तर से आदमी इंसान ऊपर का कोई बड़ा बड़ा जो नाम हासिल करते हैं मुकाम, तो अभी इनका स्टार्टिंग है यहाँ से और मेरा जो आशीर्वाद और शुभकामना इनके साथ में है और मैं हमेशा इनके साथ में ही हूँ। और माँ बाप का तो कर्तव्य ही होता है कि बच्चों को अच्छे लक्ष्य अपने कदम पे उनको आगे में बढ़ाएं। इस मौके पर भाजपा नेता सनोज यादव, गुड्डू सिंह, ललन कुमार राम भी मौजूद थे।